सुस्वागतम। अरे क्या करते हैं आप, अब बाप का भागीदार बना रहे हैं आप हमको। अरे हम लड़किया वाले हैं, ये तो हमको करना चाहिए। आपका औदा हमारी नजरों में अब रिश्तों से बहुत बड़ा है दद्दा जी, बस आप आशीर्वाद दीजिए। महादेव बाबा सबका भला करेगा। आइए आपका स्वागत। रंग कितना खिल रहा है ना गुड्डी पर, आज तो राकेश तुमको देखते ही रह जाएगा। थोड़ी सी काली भी गुड्डी के चेहरे पे पोत दो पुन्नी। क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला के ही दम लेगी। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं बड़ी अम्मा? इस गुड्डी ने कोई तो कांड किया है, लेकिन ऐसा क्या किया है जिससे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछल सकता है? पुराइन, आप लाखन बाबू के पास बैठिए ना, क्योंकि इस पूजा में जोड़े के साथ बैठना अनिवार्य होता है, उसके बिना ये विधि संपन्न नहीं होगी। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्य नमः स्वाहा, ओम सचिव पुरंदराभ्य नमः स्वाहा, ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो इष्ट देवेभ्यो नमः स्वाहा। क्या बात है गुड्डी बिटिया, तुम इतनी बुझी बुझी काहे हो? तुम इस शादी से खुश तो हो ना? बिल्कुल खुश है। जवाब दो गुड्डी, शर्मा रही है। ये लो गुड्डी, अब तुम राकेश बाबू का अंगूठी पहनो। दद्दा जी, अब हम समधी हो गए। अब मोहर लग गई। आइए महादेव महादेव महादेव। अब भी आप कुछ नहीं कर रहे, मतलब आपकी नजरों में भी प्यार करने वाले गलत। तो ठीक है, भी प्यार करना बंद। आज से हम मंदिर नहीं जाएंगे, आपको नहीं पूजेंगे। आज से गुड्डी पूरे ठाकुर नाम से गए। क्या मोहब्बत है ठाकुराइन जी, मतलब आशिक के ओझल होते ही आपने उसे अपने दिल से निकाल फेंका। आपकी मंगनी की खबर सुने थे,
यकीन नहीं हो। बात करिए ठकुराए, हम यहाँ पे कुछ सुनने सुनाने नहीं है, हम सिर्फ आपकी मंगनी की मुबारकबाद देने आए हैं।